कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी ना नूर, इंशाल्लाह उसे जॉब मिल जाएगी। किस्मत है, जिंदगी बदल सकती है उसकी। सेक्रेटरी की जॉब से बदलेगी जिंदगी? नहीं अली साहब, सेक्रेटरी की जॉब से कहां, कहीं और ही है उसका दिल तो। क्या मतलब? यानी वो सिर्फ सेक्रेटरी की जॉब को नहीं देख रही, जाहिर नहीं करती है, मगर उसके दिल में कुछ और है। वैसे भी वो तो किसी टेलीविजन पर आने वाले एक्टर या मॉडल से कम नहीं किसी तरह। मैं तो उसे जानती हूँ ना, उसके दिल में ख्वाब हैं बहुत सारे। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। तुम क्या सुबह सुबह नौकरी और सेक्रेटरी कर रही हो यहाँ बैठकर मेरे साथ कोई और बात नहीं करने के लिए? फॉरेन रिपोर्ट्स की समरी दो मुझे। माफी चाहती हूँ। अम्मी मैं ठीक हूँ, क्या देख रही हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, पुरानी बातें याद करके अजीब सी हालत हो जाती है। और वैसे भी आपको तो मेरे बारे में सब कुछ ही पता है, सारी तबीयत आपके सामने है मेरी, लेकिन अब ठीक हूँ। बस कर दो, छोड़ दो ये सब सोचना, हम माँ बेटी पूल में चलते हैं, अभी कोई नहीं, चलो। अम्मी नूर कहाँ है? नूर सुबह से इजाजत ली थी, वो शहर जा रही। आप अब तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर रही ना? मैं किसी के साथ बिला वजह बुरा नहीं करती अलीना, लेकिन तुम्हारी भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए बेटा। ठीक है उसके एहसान का कर्ज उतारो, मगर उसको सर पे तो ना बिठाओ। अम्मी ये भी यहाँ है, मैं इसका सामना नहीं कर सकती। हद करती हो अलीना, तुम भी नाजान से डर रही हो, खुदा के लिए बस भी कर दो। डरना कैसा अम्मी, लेकिन अगर इसने उल्टी सीधी बातें करके मूड खराब किया ना मेरा तो। हाँ ठीक है चलो। आओ अलीना आओ, मैं बस जरा एक्सरसाइज कर रही हूँ, चाहो तो तुम भी आ जाओ। नहीं तुम करो, तुम्हें एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत है। बदतमीज। चलो बेटी पानी में चलो, आराम आएगा। मैं भी जरा करके काम देख लूं, हफीजा वगैरह को देख कर आती, फिर तुम्हारे पास आऊं। चलो अब आ भी जाओ अलीना, कसम से बहुत सुकून मिलेगा। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।